हमारा भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम बहुत आ गया और ब्रिटिश कला जाने के बाद हमारा संविधान बनाने के बाद हमारे खुद के देश को चलाने के लिए सरकार ने 5 वर्षीय योजना शुरू किया। हम लोग जानते हैं जनरल इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के 5 साल में होते हैं, उसी तरह हमारा आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 5 साल की योजना भी बनाते हैं। लेकिन इसको कभी कभी डिस्टर्बेंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी कभी लड़ाई होता है, जैसे सेना के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, उसी तरह का बांग्लादेश बनाने के बाद हुआ, तो उसी तरह का लड़ाई की वजह से पाँच साल का नॉर्मल जो साधारण रूप से जाने वाला था उसमें थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ है। फिर भी चलते चलते वायोलेशन करते करते पाँच साल का 5 वर्षीय योजना भी करके आ रहे हैं। भारत सरकार ने जब फैक्ट्री सिस्टम बनाया तो बहुत सारे वर्कर्स को बहुत देश के कोने कोने से लेके आना पड़ा। वो लोग जो आ गया है तो शिक्षित लोग भी है, अशिक्षित लोगों भी है, श्रमिकों का अधिकार, श्रमिकों का कर्तव्य सिखाने के लिए भारत सरकार ने इसको 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया है कि भारत में श्रमिक शिक्षा देने के लिए एक संस्थान बनाना है, एक विभाग बनाना है। कैसा बनाना है, इसके लिए 8 आदमी जो है एक्सपर्ट लोग हैं, वो फॉरेन कंट्री से 4 आदमी भी बुलाया, तो इंग्लैंड से, जर्मनी से, यूएसए से बुलाया, और भारत का 4 आदमी जो है इसी समय का भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का चीफ लेबर कमिश्नर इंश्योरेंस साहब, वो साउथ इंडियन, वो लोग